बस ना बस कर, फैन चला दो, मुझे भाव गर्मी लगी। नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यूडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है कि मेरा वीडियो रात में शूट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि रात में जो वीडियो शूट होता है तो आप लोगों को कैसा लगता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने हमारे बर्थडे का जो भी वीडियो था खूब ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज हम आप लोगों को जो है कि दोस्तों मुझे कमेंट आ रहा था कि ज्योति दीदी आप बताइए कि आपका जो झुमका है कितने का है। तो आज मैं आप लोगों को अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, जितने भी हमारे पास ज्वेलरी है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और हम झुमके का प्राइस भी आप लोगों को बताएंगे कि कितने का जो है कि हमारा झुमका पड़ा हुआ था। ये देखिए, और मेरे साथ आनवी भी हैं। आनवी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उनके पापा उन्हें कार्टून लगा के दे दिए थे, तो अभी कार्टून जो है कि वीडियो के जैसे हम बंद कर दिए हैं, इसीलिए परेशान है। अभी देखिएगा, ये फ़ोन भी लगा लेती हैं दादा के पास, अपने नानी के पास, मामा के पास, अपने पापा के पास, झूठ भी लगा के ऐसे हाथ भी लगा के कहती है हेलो पापा, हेलो मामा। तो चलिए हम आप लोगों को एक एक करके दिखाते हैं अपना जो है कि ज्वेलरी कलेक्शन। तो देखिए इतने सारे हम ज्वेलरी लेके अपना बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम जो है कि स्टार्ट करते हैं, एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आनवी का ज्वेलरी। ये देखिए, ये हाथ में का है, जो कि अभी आनवी को हम पहनाते हैं तो आनवी निकाल लेती है, तो बच्ची है तो हम इसलिए नहीं पहनाते हैं, क्योंकि ये पूरे गांव भर में ना मतलब घूमती हैं, सबके घर जाती हैं, खेलती हैं, तो पहना देते हैं तो निकाल भी देती हैं। मैं अभी आप लोगों के सामने पहना देती हूँ, देखिएगा कुछ समय पहले कुछ समय बाद निकाल भी देंगी। आनवी आओ, ये पहनो। किसका है ये, आनवी का है क्या? ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जा रहा है, अभी आनवी निकाल भी देंगी। मैं वीडियो बनाते बनाते, ये देखिए, तो ये देखिए, ये भी हाथ में का है, इसमें देखिए घुंघरू भी लगी हुई है, बजता है, अच्छा लग रहा है। आनवी वाला पहना है क्या? अच्छा ठीक है। ऐसे अच्छे से कर बेटा, अब इधर पे आके बैठो, इधर पे बैठो, हाँ सबको दिखाओ, चलो अपना हाथ हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे करके बज रहा है ना। देखिए आने को पहना दिए हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो दोनों हाथ में का था। अरे देखिए, ये जो कि आर्मी का कमर में का है, ये भी आर्मी को बड़ा है, ये भी निकाल लेती है ये। ये जो है कि जैसे पहले है वैसे ही है, मतलब मोटी तो हो ही नहीं रही है, भले लंबी हो जा रही है। ये आर्मी जल्दी आप लोगों को एक कमरबंद अपना पहन के दिखाएंगी। और आर्मी ये देखिए अपने हाथ से निकाल देंगे, दो है इसलिए नहीं निकल रहा है, क्या करें, निकाल ले, ठीक है लो अपना, रुको निकाल है बेटा पहन के। इतना अभी पांच या दो मिनट के लिए खुश हुई थी ये, क्या ये भी निकाल लो, तो आप निकाल लेते हो ना। चलो अच्छा ठीक है, हम निकाल दे रहे हैं। तो मैं आदमी का जो कि गोल्ड दिखाती हूँ, ये देखिए इनकी मौसी दी हुई है छोटा सा, जब पहली बार आनवी गई हुई थी। तो ये है दूसरा लॉकेट आनवी का, ये देखिए, तो ये भी मुझे आनवी को गिफ्ट ही मिला हुआ है। तो दोस्तों जो है कि ये जब पहली बार रीता विलेज ब्लॉग जो है मुझसे मिलने आई थी, तो आनवी के लिए लाई हुई थी लॉकेट, बहुत ही प्यारा है ये। तो ये देखिए, ये रहा आनवी का पायल, छोटा सा क्यूट सा, ये पहनती है इसलिए गंदा हो गया है, इसे हम जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे साफ कर दूंगी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना कमरबंद, जो कि मैंने कभी नहीं पहना, बस एक बार पहना हुआ था, उसके बाद नहीं, जब शादी में मैं आई हुई थी तभी पहनी हुई थी, और मुझे अब मैं मोटी हो गई, मुझे छोटा भी हो गया है, तो पतला सा रहता तो मैं पहनती है, मुझे बहुत ही भारी लगता है, देखिए मैं इसीलिए नहीं पहनती हूँ इसको, इसे मैं ऐसे ही रखी हुई हूँ, मुझे अभी ये छोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है।
तो चलिए मैं आप लोगों को इसे पहन के दिखा देती हूँ कितना छोटा हो गया है मुझे। इतना छोटा हो गया है देखिए, पहले मुझे ये बड़ा था, ये देखिए अभी इतना छोटा हो गया है। साइड में करके आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। अगर बड़ा होता तो मैं पहन के दिखाती आप लोगों को पूरा, मुझे छोटा है ये। अभी न्यू है ये, चमक रहा है देखिए। तो देखिए रहा मेरा शादी का पायल, काफी क्यूट मेरा पायल है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है मेरा पायल। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पायल कैसा लग रहा है, मुझे तो काफी अच्छा लगता है, बजती भी है छम छम। तो उसी का ये जोड़ा है देखिए छम छम। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मांटा टीका। तो ये रहा मेरा मांटा टीका, ये देखिए आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ मैं। मुझे मांटा टीका का भी डिजाइन अच्छा लगता है मेरे, मैंने वो अपनी शादी में ही सारे ये सब गहने पहने हुए हैं, मतलब मंटी का सिर्फ पायल और मंगलसूत्र मेरा शौक था और रिंग पहनने का। देखिए मैंने अपना टीका पहन लिया हुआ है, कमेंट में जरूर बताइए कैसी लग रही हूँ टीका पहनी हो तो। अब ये भी मेरे ससुराल से गया हुआ था, काफी प्यारा है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना नथिया, जैसे है थोड़ा ये जो है कि किसे टूटा था जी आपसे ना, ये भी काजी से टूटा था, बेड में वो हो गया था चला गया था। तो आप लोगों को मैं नथिया भी पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनली हमने नथिया पहन लिया हुआ है, ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए और भी आप लोगों को दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ रिंग, ये देखिए ये रिंग जो है कि मेरी मम्मी मुझे दी हुई है, मायके से मिला हुआ है मुझे। ये जो रिंग है ना ये देसी है, मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी कि तुम देसी लोगी कौन सा, तो हमने देसी लिया हुआ है। तो इसमें भी जो है कि रिंग है, दो रिंग है अभी मेरे पास ये देखिए। तो ये रिंग जो है कि मेरे छिकैया में यहाँ से मुझे गई थी, जो मुझे दीदी पहनाई हुई थी, विकास जी ने पहनाए हुए थे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैं जो है कि डेली एक गोल्ड का छोटा सा इयर रिंग पहनती हूँ, तो अभी इस समय मैं निकाली हुई हूँ जब से मेरा बर्थडे था तब से। ये देखिए ये है छोटा सा जो कि ये मुझे मुंह दिखाई यहाँ पे मिला हुआ था, बुआ जी ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था ये। और इसमें जो है कि छोटे छोटे नोज रिंग है, ये देखिए ये छोटी सी दीदी मुझे मुंह दिखाई दी थी, जैसे कि ये मंगलसूत्र में शादी का नहीं है, ये भले ही छोटा सा है लेकिन विकास जी जो है कि उस होली पे मुझे गिफ्ट दिए हुए थे। जैसे कि आप सभी को पता था जब लुटेरे आए हुए थे तो झुमका और मंगलसूत्र मेरा दोनों गया हुआ था, तो विकास जी उस साल जो है कि मुझे होली पे गिफ्ट दिए हुए थे, पहन लेती हुई भी मैं। तो देखिए ये भी मेरी बिछिया है जो कि तीन वाली है, ये मेरी दीदी ने मुझे खरीदा हुआ था मायके वाली, जो मेरी लक्ष्मी दीदी है, आप लोग कमेंट करते हो कौन है, मेरी बड़ी बहन है वो, ये मुझे खरीदी हुई थी। ये मेरी ननद जी मुझे दी थी, ये जो होता है ना राउंड राउंड वो है बिछिया, और एक छोटा सा है अब दिखाते हैं आप देखिए, चांदी के सिक्के हैं जो कि विकास जी दिवाली पे खरीदते हैं, चांदी के सिक्के बोलते हैं ये आदमी के लिए है, हर साल एक खरीदते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना जो है कि सोने का जो है कि गोल्ड कंगन, देखिए ये है दो है, काफी प्यारा है, आइए आप लोगों को पास से दिखाती हूँ मैं ये। तो मेरी जो है कि गोल्ड जो है कि चूड़ी है, काफी प्यारी है, इसकी डिजाइन भी काफी प्यारी है देखिए। तो मैंने इसे एक बार ही पहना हुआ है, लाइट आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा, चमक रहे हैं अभी ये।
और ये देखिए एक छोटी सी चांदी की कटोरी है और ये चम्मच आर्मी की मौसी आर्मी को दी हुई है। जब दांत उन्हें निकला हुआ था तब उन्हें आया था ये आर्मी को खाने के लिए। अब मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाने वाली हूँ जो कि अपना गोल्ड झुमका, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी कितने का है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी प्यारा था ये, मैं विकास जी और लक्ष्मी दीदी ने खरीद के लाया था अपने मन पसंद का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। ये देखिए तो एक जो है कि एक मेरा जो है कि जो पहले गया था जो लुटेरे गए थे तो मेरा एक ही तल्लक था, लेकिन ये देखिए मेरा ये तीन तल्लक है, ऊपर से ये नीचे इस तरीके से लटका हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। मैं देखिए मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। तो ये झुमका जो है कि मेरा 11 ग्राम का है, उस समय जो है कि विकास जी लाए हुए थे, मैं इसमें बिल भी था तो पता नहीं कहाँ मैं रख दी जल्दी जल्दी में। तो ये झुमका जो है कि 56,000 का पड़ा हुआ था, ठोस में है, ज़्यादा मैंने इसे भड़कील मतलब विकास जी ने नहीं बनवाया है, ये ठोस में है, बहुत ही प्यारा है, ताकि पहन के लेटे तो भी ना खराब हो ये। तो ये मैं आप लोगों को फाइनली एक बार पास से दिखा देती हूँ अपना सारा ज्वेलरी। दोस्तों आज हमने आप लोगों को दिखाया अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, और कुछ जो है कि कमेंट्स भी आ रहे थे तो हमने सोचा आज हम ये वीडियो बना ही देते हैं कि आप लोग जो है कि हमारा झुमका देख भी लीजिए और इसका दाम भी हमने बता दिया। तो दोस्तों जो है कि हमारा लाखों का सामान मुझे वापस मिल गया, तो डेढ़ साल बाद मिला, बट भला सही मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा सामान मुझे वापस मिल गया, क्योंकि दोस्तों मुझे हमेशा याद आती रहती है जब मैं किसी को देखती हूँ पहनते हुए तो रोना भी आता है। तो मुझे जो है कि जब झुमका मिला तो मैं काफ़ी खुश हुई थी विकास जी और मेरी दीदी का, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरा ये। जिस समय मेरा गहना गया हुआ था उस समय मैं बहुत ही रोई हुई थी और बहुत ही तकलीफ हुआ था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितने तकलीफ में थी। तो मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अविकास जी को और अपने दीदी को दिल से धन्यवाद बोलते हैं, उन्होंने हमारी जो की इच्छा पूरा किया, मेरी खुशी का इतना ध्यान रखा। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप लोगों ने मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा इसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। तो दोस्तों जो है कि हमें कमेंट भी आया था, मधु कुमारी ने मुझे कमेंट किया है कि अपने घर का मतलब होम टूर कराइए, तो हम जल्द ही कराएँगे आप लोगों को होम टूर अपने घर का। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस मेरी शादी में क्लोजअप नहीं हो रहा था तो आज हो रहा है। बस अब बस करो, अब फैन चला दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही। इतना तो मैं अपने शादी में नहीं सजती थी जितना आज मुझे सजा रहे हो। बस करो, पैर चला तो बहुत गर्मी लग रही है। बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है कि हम सारा सामान अपना चल रहे हैं पैक करेंगे और अच्छे से रखेंगे, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़, मेरी मम्मी ना रहे ना तो मेरे सारा सामान मैं खवा दूँ, फिर मम्मी याद दिलाती रहती है कि तुम ताला लग की सामान रखी कि नहीं रखी, नहीं तो मैं सारा सामान खवा दूँ, अब भूल जाती हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को नहीं भूलती हूँ मैं। चलिए अब मैं सारा सामान अपना रख देती हूँ। देखिए मैंने इसे ऐसे टिकाया हुआ था, इसका पेच